नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के वीडियो के बनाने का मुख्य दो उद्देश्य है। पहला तो उद्देश्य है कि हम लोग जानेंगे कि एग्ज़ाम डेट कब तक आ सकती है, जो कि सबसे ज़्यादा लोगों का पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और दूसरा है, जो कि यूट्यूब पर यदि आप देखेंगे, सर्च करेंगे, तो गिना चुना वीडियो मिलेगा या फिर नहीं ही मिलेगा। वह क्या है कि जो रेडियो ऑपरेटर में है, आप कोई सा फॉर्म भरे हो, चाहे हेड रेडियो ऑपरेटर भरे हो या फिर असिस्टेंट ऑपरेटर भरे हो या फिर जो वर्कशॉप स्टाफ वाला है, तीनों पोस्ट में से कोई भी पोस्ट आप भरे हो, तो उसमें रीजनिंग वाले सेक्शन में यदि आप लोग देखेंगे, क्या उसका सिलेबस देखेंगे, तो रीजनिंग वाले टॉपिक में एक लिखा हुआ है मेंटल एप्टीट्यूड, ठीक है, यानी कि मानसिक अभिरुचि। तो इसको यदि आप लोग खोजेंगे तो मिले मिलेगा नहीं कहीं पर भी, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। आप लोग बताइएगा क्या आप लोग उसका जो टॉपिक है, सिलेबस है, उसको उसका वीडियो चाहते हैं। यदि हाँ, तो नीचे एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ, हमको इसके टॉपिक का वीडियो चाहिए। तो देखिए, इसमें हम 250-300 क्वेश्चन लगभग करा देंगे और उतने ही में से आएगा, ठीक है, MCQ टाइप क्वेश्चन रहेगा। और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में, चाहे प्रीवियस ईयर UPSI हो गया, उसमें पूछा गया है। और यह जो क्वेश्चन है सभी में पूछता है, चाहे यूपी पुलिस ले लें या इसके पहले फायरमैन हो गया था, यानी कि पुलिस से संबंधित कोई भी परीक्षा हो तो उसमें पूछता है। और उसका एक बार हम आपके सामने सिलेबस का जिक्र कर देते हैं, कौन कौन सा सिलेबस है। जैसे आप लोग देखेंगे तो इसमें पहला है पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि जनहित। इसमें क्वेश्चन लोगों के, जनहित मतलब होता है ये लोगों का, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि कानून एवं शांति व्यवस्था। तो इसमें इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मेंटल एप्टीट्यूड में। जैसे पुलिस से संबंधित कोई प्रश्न दे देता है कि यदि मान लीजिए आप थाने के इंचार्ज हैं और आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई बूढ़ा व्यक्ति मिल गया तो आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आता है। और भी बहुत सारा अधिनियम वगैरह से क्वेश्चन पूछ देता है कि पुलिस अधिनियम कब आया, ठीक है, पुलिस का मुद्दा क्या है, और आपके पुलिस प्रणाली के बारे में पूछ देता है। और देखिए जो सिलेबस है अपराध नियंत्रण, यानी कि अपराधों को नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है, और विधि का शासन, अनुकूलतन मतलब अनुकूल की दक्षता, व्यावसायिक सूचना, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकारों वाले के प्रति संवेदनशीलता, और जो लास्ट टॉपिक बचता है लैंगिक संवेदनशीलता, यानी कि यह लगभग 10-15 टॉपिक हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। तो यह जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं, हम जितने भी MCQ कराएंगे, ठीक है, उसमें सारा का सारा कवर हो जाएगा और प्रीवियस ईयर में पूछा गया यह सभी क्वेश्चन है। अब देखिए, इसका क्लास तो निश्चित रूप से चाहिए, तो नीचे कमेंट करके एक बार आप जरूर बताइएगा, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम वीडियो अपलोड करें, हम हो सकता है कल शाम को अपलोड करें तो आप लोग को जरूर मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो टॉपिक है, एग्ज़ाम डेट कब होगा। देखिए, फॉर्म भरा गया है तो एग्ज़ाम होना ही है, इसी तरह UPSI वालों का था, जो भी भरा हो वेट करता था कि फॉर्म कब आएगा, फॉर्म भी आया, एग्ज़ाम भी हो गया, ठीक है, अब DVPST हो रहा है, तो उसी तरह इसका भी आएगा जल्द ही, मतलब फॉर्म तो भर ही गया है। अब इसका आप लोग अखबार की कटिंग में देख रहे होंगे कि लिखा था कि जून के लास्ट में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। तो मई 20 तारीख हो गया, तो मई तो खत्म ही होने वाला है, जून के लगभग मान के चलिए 15 जून के बाद कोई भी ऑफिशियल अपडेट, ठीक है, कोई भी ऑफिशियल अपडेट जरूर देखने को मिलेगी। और परीक्षा की बात करें तो परीक्षा होगा ही जून में नहीं, वो जुलाई में होगा, ठीक है, जुलाई मान के चलिए कि जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसको लेकर के ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बात क्या करना है कि हम लोग को अपना सिलेबस कवर करना है। साइंस का सिलेबस आपने कहीं ना कहीं से कवर कर लिया होगा, ठीक है, मैथ कवर कर लिया होगा, हिंदी तो आसान है, हिंदी हो गया होगा, अब कुल मिला जुला के बचता है रीजनिंग भी हो गया होगा। और इसमें जो मेंटल एप्टीट्यूड वाला टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और आप यदि प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे, चाहे UPSI हो, UP कांस्टेबल हो, ठीक है, इन सब में इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है, और बाकायदा इसमें सिलेबस में भी लिखा गया है, तो क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। तो क्लास चाहिए तो नीचे एक बार कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका जो MCQ है लगभग हम पूरा का पूरा करवा देंगे, और सभी प्रीवियस ईयर है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।